हेलो माय यूट्यूब फैमिली, और आप लोग देख रहे हो, मैं रेडी हो रही हूँ। सो यही से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। मेरा कुछ काम है और कुछ ख़रीदना है, तो उसके लिए हम लोग नीचे जाएंगे। तो रेडी हो रही हूँ और मैं अपना ड्रेस प्रेस करने के अभी टाइम नहीं है। और हेयर कट करने के बाद अच्छा लग रहा था, मतलब पता नहीं अच्छा हुआ या नहीं हुआ तो नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से तो अच्छा था। हर्षिता भी रेडी हो गया था और उसके पापा बाइक लाने के लिए गया है। अभी इधर तो बिना हेलमेट के मुझे जाने नहीं देंगे पीछे, लेकिन बेटी ने तो देख लिया और उसको हेलमेट चाहिए। बच्चे के साथ यही, अभी हमें बाइक में ट्रैवलिंग करने में हर्षिता के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। मैडम हेलमेट और सनग्लास रात में, यह हर्षिता का आजकल नौटंकी ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। गर्मी बहुत ज़्यादा है और हम लोग रेडी हो गए हैं, थोड़ा सा शॉपिंग करना है। शॉपिंग नहीं, मतलब ऐसे ही तो चल रही हूँ, बाहर देखती हूँ। छोटा सा सिर्फ ब्लॉग तो नहीं हो पा रहा है। और ये देखो मैडम, दिखाती हूँ, रुको जामा। मामा मैं कहाँ बैठू, जगह नहीं है। कहाँ बैठू, जगह नहीं है, फट जाएगी। उधर मैं कैसे बैठू, आई तो अभी रेडी हो गए हैं। और अभी कोरोना है तो मास्क फिर से बढ़ गया है सुना है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं। हम लोग रेडी हो गए हैं और मेरी हेलमेट रानी, वो पापा के आगे नहीं बैठेंगे क्योंकि उधर वो खड़ा नहीं हो सकता, पीछे खड़ा होके गए थे। और आज भी हम लोग एक्सीडेंट होते होते बच गए। और हम लोग कॉम्प्लेक्स में आ गए थे, कुछ सामान लेना था। हम लोग कैंटीन से सामान लेते हैं, उधर कुछ कुछ सामान का रेट ज़्यादा होता है और कुछ कुछ सामान नहीं मिलता है। और हम लोग जा रहता है उधर, जो आसपास की दुकान है उधर ज़्यादा सामान नहीं मिलता है, और जो भी सामान मिलता है उसका जो मतलब अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता है। और मैं इधर से ही सामान लेना प्रेफर करती हूँ। और मैंने गुड़ ले लिया जो सामान नहीं था घर में, हर्षिता के पापा को बोलूँगी तो ये नहीं ले पाएंगे। मैंने कपड़ा सिलने के कपड़ा रास्ते में सिलाने के लिए रख दिया, और फिर इधर से सामान लेने के लिए लेके हम लोग उधर से लेके जाएंगे। कुछ सामान लेना था ऊपर देने, उधर ही हम लोग जा रहे थे उधर ही एक ट्रेलर थी उधर दिया था, लेकिन उधर लेके गए तो बोल रहा था 390 का फिटिंग करने के लिए कितना 5 दिन लगाएंगे, और हमें नीचे आधे घंटे में दे दिया। और इधर से कुछ सामान वगैरह लेना था, देख रही थी ज़्यादा आइटम नहीं था। मुझे मिक्सर मुरमुरा ये सब लेना था क्योंकि हर्षिता को ऑफ टाइम में ये सब देना है, मुरमुरा उसको पसंद है। बहुत दिनों के बाद मैं मतलब ले लूँगी, उधर नहीं मिल रहा था। और ये जो बेकरी का बिस्किट है उधर जहाँ केक वेक मिलता है उधर से लेना है, अच्छा होता है। मैंने इधर से नहीं लिया लेकिन थोड़ा बहुत सामान ले लिया। हर्षिता उसके पापा को तंग कर रहा है, मैदा नहीं था, सोयाबीन ख़त्म हो गया था, तो ये सब सामान लेके और एक फ्रेश क्रीम भी लिया। तो अभी कुछ कुछ सामान लेके अभी हम लोग जाएंगे। बैग फुल हो गया था, साइड में अच्छे से पाइनएप्पल था, मुझे लेने का मन था लेकिन बैग फुल है तो नहीं लिया। और हर्षिता
क्या बोलते वो अमेरिकन ओनियन वाला जो क्रीम एंड ऑनियन वाला जो लेस था वो अच्छा लगता है, ज़्यादा मसाला भी नहीं था तो उसको खाने के लिए भी दिया, वो हर्षिता के लिए लाई। और इधर से कुछ सामान लेना था क्या बोलते हैं ये दुकान से, उधर लिया। हर्षिता के पापा हेयर कट करने गया था और हर्षिता इधर दुकान के सामने बैठ के खेल रहा था जो दूसरा बच्चा था सब मिल के। फिर हम लोग आ गए पार्किंग, पार्किंग में आज हमें बाहर नहीं उतारा, डायरेक्ट पार्किंग में उतरी तीनों की तीनों। पता नहीं हर्षिता को हेलमेट से क्या प्यार है, हेलमेट देखते ही पागल हो जाते हेमले करके मुझे पहनने भी नहीं दिया, उधर हर पकड़ा था तब लिया। चलो, और मैंने उस दुकान से ये मैक्रम लाने के लिए गई थी, मुझे बनाना था, दो मैक्रम लाई। उधर से आया और सामान लाया था थोड़ा बहुत, और ये मैक्रम स्टार्ट होगा कुछ, मतलब बनाना है मुझे, आप लोग देखोगे ज़रूर। और ये हेयर बैंड लाया क्योंकि हेयर कट करने के बाद आगे का जो हेयर है तो बहुत छोटा हो गया था तो उसके लिए ये। और पता नहीं, देखती हूँ आगे क्या होता है। हर्षिता पानी मैंने पिलाया, ब्रेस्ट फीडिंग किया थोड़ा सा, करने के बाद वो नौटंकी कर रहा था और मैं अंडा फ्राई करूँगी। हर्षिता के पापा के लिए अंडा भुजी बनाऊँगी और मुझे ऑमलेट खाना है बहुत सारे मिर्ची के साथ, मुझे अंडा भुजी इतना पसंद नहीं है। बोलती हूँ ना हम लोग कम है लेकिन खाने का जो नौटंकी है सबकी अलग अलग है, एक चीज़ किसी को पसंद नहीं है, सबको अलग अलग पसंद। तो हर्षिता के पापा के लिए अंडा भुजी बनाया, दोपहर का दाल था और मेरे लिए बहुत सारे मिर्ची के साथ आमलेट। फिर हम लोग खाना वाना खा के हर्षिता को भी खिलाया, हर्षिता रेडी हो गया है सोने के लिए। बेटी भागो इधर से, पापा की कोई ऐसे, अभी वो खेल रहा है। और ये जो काम किया है हर्षिता ने उसको तो ठीक करना पड़ेगा। बेड वगैरह ठीक हो गया हर्षिता को, उसके पापा ने रेडी कर लिया। अभी 10:75 हो गया है और सारा काम वाम लगभग हो गया है, और ब्लॉग्स को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हुए कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में। और एक बात बताना चाहती हूँ, जो लोग मैं सब्सक्राइब करने के लिए उन लोगों को बोलती हूँ जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, और जिसने सब्सक्राइब किया वो लोग कमेंट लाइक शेयर कर सकते हैं, और वीडियो प्लीज़ आप लोग पूरा देखिएगा। और जिसने सब्सक्राइब किया वो बार बार सब्सक्राइब मत कीजिएगा, अनसब्सक्राइब हो जाता है, पर मुझे पता चलता है बहुत सारे लोग किसी को इतना नहीं मालूम है तो वो लोग डबल सब्सक्राइब करता है। मैं हर एक ब्लॉग्स में देती हूँ सब्सक्राइब करने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि जो लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं मुझे उन लोगों से सिर्फ बोलना है। और जिसने सब्सक्राइब किया उन लोगों को लाइक कमेंट शेयर ये सब तो कर सकते हैं, और जिसने मतलब किया है सब्सक्राइब वो लोगों को बोल रही हूँ बार बार आप लोग सब्सक्राइब मत कीजिएगा, अनसब्सक्राइब हो मतलब हो जाता है मेरा नुकसान हो जाता है, क्योंकि जो सैटरडे मैंने ब्लॉग बनाया है उसका मतलब दिया है मैंने, अपलोड करते ही किसी ने शायद देखा था तो देखने के बाद शायद मैंने सब्सक्राइब कर लीजिएगा मतलब सब्सक्राइब करने के लिए बोला तो उन्होंने शायद सब्सक्राइब कर दिया फिर से और अनसब्सक्राइब हो गया। तो चलो ब्लॉग्स ट्राई किया छोटा सा, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू। और वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, थैंक यू।